अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने से पहले बोले कि बजरंगबली इनका नाश करेंगे। एग्जिट पोल को बताया बिल्कुल फर्जी। तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने मोदी का नाम लिए बगैर जमकर बरसे। दिल्ली आबकारी मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल ने आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एग्जिट पोल को भी बिल्कुल फर्जी बताया। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब बरसे। केजरीवाल ने एग्जिट पोल को फर्जी बताते हुए कार्यकर्ताओं से अपील की, काउंटिंग सेंटर से जब तक वीवीपीएटी की पर्ची नहीं मिल जाती वे काउंटिंग सेंटर छोड़कर नहीं जाए। वहीं केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आ गए हैं, ये सभी एग्जिट पोल बिल्कुल फर्जी है। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दिए जबकि वहां केवल 25 सीटें। असली मुद्दा है कि उन्हें मतगणना के दिन से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल क्यों करना पड़ा, इसके बारे में कोई सिद्धांत है? उनमें से एक ये है कि वे मशीनों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी थी, मैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। आज मैं फिर तिहाड़ जेल जा रहा हूं, मैंने इन 21 दिनों में से 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों के लिए प्रचार किया। मैं मुंबई, हरियाणा, यूपी, झारखंड गया। आप महत्वपूर्ण ही है हमारे लिए, देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं दोबारा जेल जा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं कि मैंने कोई घोटाला किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है, बल्कि इसका नाश करेंगे। पीएम मोदी ने देश के सामने यह स्वीकार कर लिया कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।